दोस्तों करण अर्जुन वह फिल्म मूवी थी जिसमें सलमान खान और शाहरुख की जोड़ी पर्दे पर साथ पहली बार नजर आई थी। 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन तो आपने जरूर देखी होगी क्योंकि यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जिन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। इस फिल्म में सभी लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। यह फिल्म इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म से लेकर गाने और डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे, फिल्म की सभी चीजें काफी प्रसिद्ध हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म में से जुड़े कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और आपको भी वे बातें पता चलेगी तो आप भी उन्हें जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करण अर्जुन फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। अगर आप भी इस मूवी के फैन हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस जबरदस्त मूवी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निर्माता की पहली पसंद थी आमिर खान। इस फिल्म के निर्माता यह चाहते थे कि फिल्म में अभिनेता आमिर खान और सलमान मिलकर काम करें। सलमान तो मान गए, लेकिन आमिर ने कहा कि फिल्म की कहानी तो अच्छी है मगर इस फिल्म में वह खुद को देख नहीं पा रहे, मतलब वे इस फिल्म से सेटिस्फाइड नहीं थे। और वही शाहरुख की जगह अजय देवगन को फिल्म ऑफर की गई, जिसके पीछे की वजह थी कि वे ऐसी लगातार विजय पथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कानून, सुहाग जैसे एक्शन फिल्में करने के बाद कोई रोमांटिक फिल्म करना चाहते हैं। वे शाहरुख का मानना था इसके विपरीत कभी हाँ कभी ना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी रोमांटिक फिल्मों में काम कर कोई एक्शन मूवी करना चाहते थे। राकेश रोशन की फिल्म में दोनों के लिए भरपूर मसाला था और अजय ने भी किसी वजह से फिल्म छोड़ दी, और आखिर में यह फिल्म सलमान और शाहरुख के साथ में बनी। शूटिंग के दौरान हुई सलमान शाहरुख बेहद परेशान। फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जहां दुर्जन सिंह करण अर्जुन का कत्ल कर देता है। वह सीन भरी दोपहरी में बालू पर शूट किया जा रहा था। एक्ट्रेस को शूट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि गर्मी काफी तेज थी। ऊपर से बालू के ऊपर गिरने के बाद उनका मेकअप भी खराब हो जा रहा था। कई बार ऐसा होता है, शाहरुख बीच शूटिंग में होते हैं और सलमान अपना फेस साफ करने चले जाते हैं। मैं चाहती थी कि स्क्रीन पर उनका चेहरा अच्छा और साफ सुथरा दिखे। ये सीन इसी तरह शूट हुआ और फिल्मों में भी लिया गया, जैसा कि आप फिल्म में देख सकते हैं। जहां शाहरुख के चेहरे पर बालू लगी है, वही सलमान के चेहरे पर सिर्फ पसीने नजर आ रहे हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में की गई थी। जब लगाई सलमान की लीड एक्ट्रेस ने सलमान और शाहरुख को फटकार। फिल्म करण अर्जुन में एक गाना है आजा आजा भांगड़ा पाले, भांगड़ा पाले आजा आजा। काजोल, शाहरुख के साथ सलमान और ममता कुलकर्णी के गाने की शूटिंग खत्म होने के बाद ममता ने सीटी मारी और उन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सलमान ने शाहरुख से कहे कि वे उन्हें बुला रही हैं। शाहरुख जैसे ही ममता के पास पहुंचे, ममता ने फटकार लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस गाने में उनके स्टेप सही नहीं थे, लेकिन दोनों की वजह से ये गाना खराब हो रहा है। साथ ही अगले दिन सेट पर इस गाने पर प्रैक्टिस करने के आदेश मिले, लेकिन सलमान और शाहरुख का मानना था कि हमने परफेक्ट डांस किया। उस दिन से दोनों एक्टर सुबह 5 बजे से उठकर उस शूट के होने वाले हिस्से पर जाया करते थे। जब गाने की आखिरी हिस्से की शूटिंग चल रही थी तो कोरियोग्राफ ने ममता से कहा कि दोनों लड़के बिल्कुल सही स्टेप कर रहे हैं, बल्कि आपके स्टेप गड़बड़ हो रहे थे। ये दोनों के लिए वे उस समय का प्राउड मोमेंट था। फिल्म का सबसे हिट गाना शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था। करण अर्जुन में म्यूजिक बनाने का जिम्मा राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन को दिया गया था। राजेश एक दिन यूं ही दिन में फिल्म के सारे रिजेक्ट गाने सुन रहे थे। उनमें से एक गाना बेहद पसंद आया और उन्होंने उस गाने को फिल्म में इस्तेमाल करने का मन बना लिया था। उनका मानना था कि गाना फिल्मों में अधूरा है, लेकिन उनके कहने पर वे गाना जबरदस्ती शूट किया गया।
और उस फिल्म में फिल्माया गया शाहरुख और काजोल की हिट जोड़ी पर वह गाना रिलीज होने के बाद बहुत हिट हुआ गाना था, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, घर के जिया वो क्यों भला। सलमान ने बनाई फर्स्ट टाइम बॉडी और हुए शर्टलेस। सलमान ने करण अर्जुन फिल्म से पहले कोई एक्शन मूवी में काम नहीं किया और ना ही बॉडी बनाई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए सलमान ने अपने फिजिक्स पर बहुत मेहनत की थी और जबरदस्त बॉडी बनाई। उनकी बॉडी देखकर डायरेक्टर भी काफी खुश हुए थे। उस समय ऋतिक ने कहो ना प्यार है से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री ली थी, लेकिन तब उनकी फिजिक्स कुछ खास नहीं थी। राकेश रोशन के कहने पर सलमान ने ऋतिक की बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी। उसके बाद ऋतिक भी फिटनेस फिट हो गए और आज ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में सबसे हिट बॉडी वाला अभिनेता माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो तय है, करण अर्जुन का सीक्वल जरूर बनेगा और इस बार भी इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान ही दिखाई देंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा इस बात पर खुलासा नहीं किया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के सीक्वल बनाने के लिए दूसरे राइटर को और प्रोड्यूसर को फिल्म बेच दी है और इस फिल्म की कहानी पर अभी काम चल रहा है। जैसे इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है, इसकी शूटिंग भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और इस बार फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा, यानी कि इस फिल्म को हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी शूट किया जाएगा। और फिल्म अमरीश पुरी का किरदार कौन निभाएगा, इसमें खलनायक के रूप में आपको एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो एक नए खलनायक की तलाश जारी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दोबारा सलमान और शाहरुख की जोड़ी फिर से कुछ बड़ा धमाका कर दिखाएगी? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।